मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के गणित विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम गणित विषय में लसावि कैसे ज्ञात करते हैं उसके शाब्दिक प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले क्लास में हमने लसावि ज्ञात करने की विधि आपको बताई थी। लसावि का अर्थ होता है लघुत्तम सामान्य विभाज्य। आइए इसी पर संग्रह का सवाल नंबर चौथा इस प्रश्न को हम हल करेंगे। प्रश्न क्या है, आइए पहले हम देखते हैं। एक शहर में बड़ी सड़क के तीन अलग अलग चौकों के सिग्नल दिखे, वे क्रमशः प्रत्येक 60 सेकंड, 120 सेकंड तथा 24 सेकंड में हरे होते हैं। यहाँ पर वह सिग्नल कब कब हरे होते हैं वह दिखाया गया है, 60 सेकंड में, 120 सेकंड में और 24 सेकंड में। सवेरे 8 बजे सिग्नल चालू किया गया, उस समय तीनों सिग्नल हरे थे। 8 बजे तीनों सिग्नल क्या थे, हरे। उसके बाद कितने बजे तीनों सिग्नल एक साथ पुनः हरे हुए होंगे। पहले हमें क्या करना है कि ये तीनों संख्याएं दी गई है उसका हमें लसावि लघुत्तम सामान्य विभाज्य ज्ञात करना है, 60 सेकंड, 120 सेकंड और 24 सेकंड का। आइए पहले हम लसावि ज्ञात करते हैं। 60 के विभाज्य एक सौ बीस के विभाज्य 24 के विभाज्य। इनका हमको लघुत्तम सामान्य विभाज्य, इसको हम अंग्रेजी में LCM भी कहते हैं। 60 का पहाड़ा पढ़ना है, कितना हो सके उतना पढ़ेंगे। 60 नहीं आता है पहाड़ा, गुणा करो, 60 दूना 120, 60 त्रिका 180, 60 चौका 240। चलिए इसके आगे 60 पंचे 300, इसके आगे भी हम निकाल सकते हैं। इसके आगे हमने डैश डैश कर दिया है। अब 120 के विभाज्य, 120 एक 120, 120 दूना 240, गुणा करो 120 की आई 360, इसके आगे भी मैंने डैश डैश कर दिया। 24 के बाद 24 के 24, 24 दूना 48, 24 की आई नहीं आता तो गुणा करो, 24 का गुणा कितना करेंगे, 3 बार, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 7, 72। 24 चौक के 96, 24 पंचे 120, 24 छक्का 144, 24 पंचे 24 सत्ते 168, 24 अठे 192। इस तरह से हम करते जाएंगे, आवश्यकता पड़ी तो और भी कर सकते हैं। हम 24 नवा भी लिख लेता हूं मैं आपको, 24 नवा 216, 24 दयम 240। अब इन तीनों में लघुत्तम सामान्य विभाज्य, सामान्य विभाज्य पहले निकालेंगे। सामान्य विभाज्य तो तीनों में कौन कौन सी संख्या कॉमन है, आइए देखते हैं। तो आप देख रहे हैं 120 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, और कौन सी संख्या है, 240, 240, 240 और 240। तो यहां पर हम देख रहे हैं तीनों में सामान्य विभाज्य क्या है, तो तीनों में
सामान विभाज्य हमारा क्या है 120 और 240। अब इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है, लसावी मतलब लघुत्तम सामान्य विभाज्य, ये सामान्य इसमें लघुत्तम क्या है, लसावी 120। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है इसमें 120। ये हमारा क्या हो गया है लसावी लघुत्तम सामान्य विभाज्य। यहां पर हमको लसावी क्या मिला 120, तो यहां पर हमको ये पता चल जा रहा है 120 क्या है, इसकी इकाई क्या लिया है सेकंड में, 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब कितना होता है बच्चों, आप सभी जानते हैं कि एक मिनट में 60 सेकंड, एक मिनट में 60 सेकंड अर्थात 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट, क्या हो गया है 2 मिनट। अब हमारा प्रश्न देखिए क्या है, हमने लसावी क्या निकाला 120, सवेरे 8 बजे सिग्नल चालू किया गया, उस समय तीनों सिग्नल हरे थे, उसके बाद कितने बजे तीनों सिग्नल एक साथ पुनः हरे हुए होंगे, 8 बजे के बाद 8:02, तो उत्तर हम क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तर तीनों सिग्नल पुनः 8:02 पर, 8:02 पर पुनः हरे हुए होंगे, हरे हुए होंगे। पहले हमने तीनों का लसावी ज्ञात किया, लघुत्तम सामान्य विभाज्य, वह लघुत्तम सामान्य विभाज्य हमारा आया 120। यहां पर 120 की इकाई क्या है सेकंड है, 120 सेकंड मतलब कि 2 मिनट। यदि 8 बजे सिग्नल हरे होता है तो उसके बाद और 2 मिनट उसमें जोड़ दो, 8:02 पर पुनः सिग्नल हरे होंगे। बच्चों इस तरह से हमने सवाल क्रमांक 4 हमने हल किया, आइए अगला सवाल 5वां सवाल कैसे हल करते हैं उसको देखते हैं। बच्चों अगला सवाल देखो 5वां सवाल, प्रश्न क्या है पहले देखते हैं, 13/45 तथा 22/75 के छोटे से छोटे हर वाले समहर तुल्य भिन्न ज्ञात करो। समहर, समहर मतलब कि हर का समान, दोनों संख्याओं का हर समान करना है, इन दोनों के भिन्नों का योगफल भी ज्ञात करो। पहले हमको जो हर है, हर में यहां 45 दिया है और यहां पे 75 दिया है, तो उनका समहर भिन्न ज्ञात करना है, यहां पे क्या गुणा किया जाए कि समान संख्या आ जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, हर का पहले हम लसावी ज्ञात करेंगे, हर का लसावी, हर में संख्या क्या है 45 और 75। आइए पहले 45 का विभाज्य, और 75 के विभाज्य ज्ञात करेंगे, इससे हमें हर का लसावी ज्ञात हो जाएगा। 45 का पढ़ा हुआ 45 के 45, 45 दुना 90, 45 तिना 135, 45 चौके 180, 45 बचे 225, इस तरह से पढ़ते जाना है। 75 का पढ़ा इसके 75 के 75, 75 दुना 150, 75 चाहिए 225, इस तरह से हमको पढ़ते जाना है। कब तक पढ़ना है, जब तक दोनों में एक संख्या सामान्य विभाज्य न मिल जाए। अब यहां पर हमको क्या मिला है 225, यहां पे क्या मिला है 225, तो दोनों में सामान्य विभाज्य, सामान्य विभाज्य क्या मिला हमको 225,
मतलब कि हमारा लसावी, लसावी क्या हो गया बच्चों, 225। अब देखिए यहां पे हमको दिया 13/45, इसमें हमको क्या गुणा करेंगे कि 225 है, क्योंकि हमको समहर भिन्न ज्ञात करना है, मतलब कि 45 की जगह हमको 225 लाना है। 225 45 के पहाड़ में कितने बार में आता है, 1, 2, 3, 4, 5 बार, मतलब 5 का गुणा करना है। 45 में 5 का गुणा करो और 13 में भी 5 का गुणा करो, 13 × 5 = 65 और 45 × 5 = 225। इसी तरह दूसरा बात हमारा क्या है, 22/75, क्या है 22/75, यहां पे 225 लाना है। 75 के बारे में 225 कितने बार आया, 1, 2, 3, मतलब यहां भी 3 का गुणा करो और ऊपर भी 3 का गुणा करो, मतलब 75 × 3 22 × 3, 22 × 66, 75 × 225। तो यहां पर हमको मिल गया प्रश्न का समहर तुल्य भिन्न ज्ञात करो। पहले का समहर तुल्य भिन्न क्या आया, 65/225 और इसका क्या आया, 66/225, दोनों के हर समान हुए। अब आगे प्रश्न कर रहा, इन दोनों के भिन्नों का योगफल भी ज्ञात करो। तो इसका 65/225 और 66/225 इन दोनों को जोड़ो, हर समान है, 225 65 × 66 जोड़ेंगे, 6, 5, 11, 6, 6, 12, 130 / 225। तो बच्चों इन दोनों भिन्नों का योगफल क्या आया है, 131/225। फिर से एक बार हम रिवाइज कर दे रहे, आइए प्रश्न है 13/45 तथा 22/75 के छोटे से छोटे हर वाले समहर तुल्य भिन्न ज्ञात करो, इन दोनों भिन्नों का योगफल भी ज्ञात करो। पहले इसको हमको समान करने के लिए इनका लसावी निकाला मैंने, 45 का विभाज्य 75 के विभाज्य, 45 का बड़ा बड़ा मैंने 45 से 45 गुना 90, 45 × 135, 45 × 4 = 180, 45 × 5 = 225 75 के विभाज्य 75 × 75, 75 × 150, 75 × 225। आगे मैंने नहीं कर, क्योंकि मुझे सामान्य विभाज्य दोनों में जो कॉमन संख्या वो मुझे प्राप्त हो गई है। तो सामान्य विभाज्य क्या आया है, 225। तो लसावी हमारा क्या मिला है, 225, मतलब पहले पद के हर में 225 लाना है और दूसरे पद के हर में भी क्या लाना है, 225। 45 का पाड़ा हम लोग कितने बार पढ़े थे, 5 बार, तो इसमें भी 5 का गुणा करेंगे हर में भी और अंश में भी, तो 13/65/225 और दूसरा पद हमारा 22/75, 75 का पाड़ा 3 बार पढ़ा था मैंने, 3 का गुणा करेंगे नीचे भी और ऊपर भी, 22 × 66 और 75 × 225, मतलब हर समान हो गए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर कितना है, 225 और यहाँ भी हर कितना है, 225, हर समान हो गए हैं। अब दोनों को जोड़ना है, तो 65/225 × 66/225, जब हर समान होता है तो अंशों को हम जोड़ देते हैं, 65/66/225 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर क्या मिला है, 131/225। तो बच्चों इस तरह हमने प्रश्न संख्या 25 के दो सवाल पांच हमने हल किया, चौथा और पांचवा, इस तरह इस सत्र का जो पोर्शन है हमारा आज बच्चों पूरा समाप्त हो गया है। आपको परीक्षा में पहले विभाग से प्रश्न संग्रह 1 से प्रश्न संग्रह 25 तक का रिवीजन करना है। अभी अगले क्लास से हम पुनरावर्तन करेंगे, विभाग पहला जो है हमारा वो पोर्शन पूर्णतः कंप्लीट हो गया है और आज का क्लास का हम यही समापन करते हैं। बच्चों धन्यवाद बच्चों।